नमस्कार, मैं कुसुम, आप देख रहे हैं खबर हरपन न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की कुछ खास सुर्खियों की ओर। ग्वालियर में हजीरा थाना पुलिस ने अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान ट्रिपल आईटीएम के हॉस्पिटल में कार्यरत नर्स की शिकायत पर प्रोफेसर आदित्य त्रिवेदी व मेल नर्स जितिन भरद्वाज के खिलाफ छेड़छाड़ व जातिगत अपमान का मामला सोमवार को दर्ज कर लिया है। पीड़िता पिछले 3 दिन से रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने के चक्कर लगा रही थी। रविवार की देर रात तक पीड़िता थाने तक बैठी रही। पुलिस नामजद आरोपी की तलाश कर रही है। ग्वालियर मलगड़ा तराहे पर स्थित पीएचई कॉलोनी निवासी पीड़िता ने पुलिस को लिखित आवेदन के माध्यम से बताया कि वर्ष 2018 से ट्रिपल आईटीएम कॉलेज के हॉस्पिटल में स्टाफ नर्स के पद पर कार्यरत हूँ। डिस्पेंसरी में मुझसे पहले कार्यरत मेल नर्स जितिन भारद्वाज उससे झगड़ा करता था। हॉस्पिटल में कार्यरत डॉक्टर की इस्तीफा देने के बाद जितिन उस पर बुरी नजर रखने लगा। पीड़िता का आरोप है कि डिस्पेंसरी में प्रोफेसर आदित्य त्रिवेदी भी बीपी चेक कराने व दवा लेने के लिए आते थे। मुझे परेशान देखकर उन्होंने मेरे रोने का कारण पूछा। मैंने उन पर भरोसा कर पूरी बात बता दी। प्रोफेसर ने मेरी मदद नहीं की, वे भी उस पर बुरी नीयत रखने लगे और संबंध बनाने के लिए दबाव डालने लगे। प्रतिरोध करने पर वह भी जातिसूचक शब्दों से उसे अपमानित करने लगे। जितेंद्र के साथ बंगले पर आने के लिए दबाव डालने लगे, अन्यथा नौकरी से निकलवाने की धमकी देने लगे। इसकी शिकायत कॉलेज प्रबंधन से भी की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने 24 घंटे की पड़ताल के बाद आरोपित के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस आरोपित की तलाश करने के साथ घटना की वास्तविकता का पता लगाने के लिए जांच कर रही है। इस मामले में अन्य एंगल से भी जांच पड़ताल की जा रही है। थाना अजीरा क्षेत्र अंतर्गत ट्रिपल आईटीएम इंस्टीट्यूशन है, जिसकी डिस्पेंसरी में काम करने वाली एक महिला ने रिपोर्ट लेख कराई है कि उसके साथ ही मेल नर्स ने उसके साथ छेड़खानी की है, और उसके अलावा उसने ट्रिपल आईटीएम के एक प्रोफेसर पे भी आरोप लगाए हैं। इन आरोपों से एफआईआर कर ली गई है और तथ्यों की पड़ताल की जा रही है कि वास्तविकता क्या है, जिसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई की जाएगी। नहीं, अभी किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं की गई है। जब तक स्पष्ट सामने तथ्य नहीं आ जाते, तब तक गिरफ्तारी नहीं की जा रही है।